Hello, my dear kids. I hope you all are fine. Our today's maths topic is subtraction with zero. When the zero is subtracted from a number, the difference be the number itself. See and understand the example given below. So, my dear kids, here are some pictures. You can see five alarm clocks were on the table. There are five alarm clocks on the table. No alarm clock taken away. किसी भी अलार्म क्लॉक को वहां से हटाया नहीं गया. फाइव अलार्म क्लॉक रिमेन ऑन द टेबल. तो फाइव अलार्म क्लॉक ही वहां पर बची. अब इसे हम कैसे लिखेंगे? वी राइट इट एज 5 - 0 = 5. फाइव अलार्म क्लॉक में से हमने किसी भी अलार्म क्लॉक यानी नथिंग को 5 में से लेस किया है, तो हमारे पास 5 अलार्म क्लॉक ही बची है. 5 - 0 = 5. जीरो का मतलब नथिंग, यानी कुछ भी लेस नहीं किया गया है. आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल इजिली क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट. व्हेन द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस बी जीरो. सी एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल गिवन बिलो. जब नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी नंबर में से, तो जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है. जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नथिंग बचता है, यानी कुछ भी नहीं बचता है. आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल है. यहाँ पर एक ट्री है. ट्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एप्पल्स हैं. 6 एप्पल्स वर ऑन द ट्री. ऑल 6 एप्पल्स फेल डाउन. 6 में से 6 एप्पल फेल डाउन हो गए, यानी नीचे गिर गए. देयर इज नो एप्पल ऑन द ट्री. अब ट्री में कुछ भी नहीं बचा है, तो 6 में से जब 6 को हमने लेस किया तो हमारे पास नथिंग बचा, जीरो बचा, यानी कुछ भी नहीं बचा. अब हम इसे लिखेंगे कैसे? वी राइट इट एज 6 - 6 = 0. 6 एप्पल्स में से 6 एप्पल जब लेस कर दिए तो हमारे पास जीरो बचा, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. आई होप किड्स आपको ये एग्जाम्पल इजिली क्लियर हो गए होंगे. We will soon meet with a new topic. Stay safe, stay healthy, and do practice it at your home.